अच्छा तो हम बताए तो मामा यू खा ले और चले जाए। यू क्या है रे? यू क्या? रसगुल्ला 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 साले तो क्यों नहीं कहते हो रसगुल्ला खा लो? हाँ भाई रसगुल्ला जो मनवाया रहा तो कहते हो यू खा लो। नहीं अब जल्दी भाई और मामा रसगुल्ला खा ले और चले जाए। ये मामा तुम रसगुल्ला यू खा ले और चले जाओ। वैसा सुगर के मारे हम परेशान हम देखत ना हो चौड़ा मुंशी। ठीक है तुम अपनी रात दरबार में बैठो के भगवान के चक्कर में ना पड़े। हमका बहुत जल्दी उरई पहुंचे के यहाँ है देख के यहाँ है। मामा सुगर के बीमार है। अरे सुगर के नहीं रे, सुगर के बीमार है तुम साले। सुगर के बीमार बताते हो? हम कह रहे हैं सुगर ही बीमार है। चुप जाओ। ठीक मामा। मामा चलो मारे जाए कुछ काम बना है। अलहवा औदना कहीं पर मालिक लात मारी निकारी है भरे बादों में यहाँ झिमक झिमक बरत रहा है। वही तो वापस आवे के नहीं। और इधर हम अपने जीजा यानी पृथ्वीराज से ने कह दें शब्द बेच चौहान आए या कपान हम जानते शब्द पढ़ के मार दे तो हिया बैठ हुई है। और सीतापुर में आदमी हुई अगर बोल दे समझ ले ते नहीं लगी। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में जग जाहिर है माहिल की करतूत। दुनिया में जग जाहिर है माहिल की करतूत और झूठ कहा जो बन पावे तो सांच की माता चूत। हमारे मालिक तो चले गए। हाँ हमारे मालिक तो चले गए। हाँ लेकिन मालिक से कुछ बात करनी चाहिए। बात ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि जो मामा बताए गए हैं महोबा नगर स्तंभ खाली है राजा परिवार और उदय राज को लात मार करके निकाल दिया। इस समय महोबा खाली है। इस समय महोबा खाली है और तुम तो जानते हो नौकर। क्यों नहीं भैया? चौड़ा मुंशी के दुश्मनी हमेशा उदय राज वारहा मल खान से रहती है। क्यों नहीं भैया? जब तक नगर महोबा नहीं लूटेंगे और बहन बेला का बदला नहीं लेंगे। क्यों नहीं मालिक? तब तक चौड़ा के दिल को तसल्ली नहीं है। चलाओ आपकी शहर दिल्ली में फौज सजाई जाएगी। महोबा नगर पे चढ़ाई की जाएगी। पैगाम बढ़ाओ। और जो कर हाजिर है और जो कर हाजिर है नसबंदी करवाने को। जो कर हाजिर है ये नसबंदी करवाने को। कोई पैदा
हाँ दोस्तों, आप लोगों के सामने हमारे जो कन्नौज के लाखन भैया है वो आप लोगों के सामने आ रहे हैं। देखेगा उनका चाल ढाल तहजीब तरीका, देखेगा दरबार में आएंगे फिर मुझसे बातचीत क्या होती। हेलो, रेडी? हमने जब जब आया था बैठक को, द्वारपाल दरवाजे पे था, आज द्वारपाल दिखाई नहीं पड़ रहा। द्वारपाल
नमस्कार नमस्कार। ये बताइए फाटक पे क्यों नहीं थे? मालिक हम फाटक पर तो रहा। अच्छा, ओ अकेले रहे तो हम कहते ना मनोरंजन कर ही। अच्छा, सिंहासन मेरा लगा क्यों नहीं मालिक? अरे कुछ आपसे कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो भैया? अरे पड़ीताऊ लालसा द्वार पाला आ जाचिया रे है। आज जंगल को शिकार खेलने मैं चलूं और आप भी संग चलो। तो सुनिए मेरी बात। हाँ बताइए। ओ जल्दी चलियो भैया तेरा मत भैया उदय राय दादा, अभी इसी जगह विश्राम किया जाएगा। ठीक है तो दादा, चलते चलते बहुत थक चुका हूँ दादा। आप चलकर सिबियाबान जंगल में आज हम दोनों भैया आराम करेंगे, उसके बाद में जो होएगा देखा जाएगा। चलो भैया चलो। द्वारपाल भैया, इसी जंगल में शिकार खेलना है। क्यों नहीं भैया? हाँ चलिए चलो।
भैया उधर आज। अरे भैया नमस्कार, भैया नमस्कार। अरे उधर आज भैया भैया कहो लाखन, इस हालत में आपको मैं देख रहा हूँ भैया। टाइम की बात है भैया। अरे हम लोगों को परमाल भरे भादों में निकाल दिया था। अरे और न तन पे कपड़ा है और न बस्तर है, इतने हाल में। अरे कौन सी गलती दादा मेरे तुमसे हो गई। माहिल मामा की करतूतों का फल फायदा उठा रहा हूं। अच्छा मोहब्बे से निकाल दिया हम लोगों को और टाइम बे टाइम इधर उधर मांगता खाता घूमता हूं भैया, क्या करूं। ऐसी बात है तो हमारे संग चलो तुम और हमारे यहां तुम रह सकते हो और आपका जो मुझसे सदेगा आपका मान सम्मान करूंगा भाई। ठीक है भैया लाखन। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए भैया। दादा हाँ भैया, ऐसा कोई राजा हमें तुम्हें मिला आज तक नहीं है जैसा राजा कनवज का मित्र लाखन मिले। चलो भैया, चलो दादा बसेरा कर दो कन्नौज में। अरे जुग जुग जियाओ मेरे पीरा कन्नौजी। जुग जुग जियाओ मेरे मित्र कन्नौजी। हो भैया। अरे चली कई बैठो भैया मेरे तुमा महल नवाई। और ये तो चला यार।
क्या बताए दोस्तों भैया, आज मैं शहर कनवल में बसेरा ले चुका हूँ, लेकिन मित्र नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। भैया कहिए, उधर आखा करेंगे क्यों नहीं। चलो भैया, कहते भैया क्या बताएं दोस्तों, आज तक कोई राजा और नहीं तो कोई मेरा साथी मिला तो मेरे दोस्तों, आज तक कोई रोटी का टुकड़ा एक देने वाला पैदा नहीं था। लेकिन नहीं दोस्तों, आज मेरा मित्र कनौजी ऐसा है जो आज हम दोनों भाइयों को बसा रहा रिजगिर में। ठीक है दोस्तों, आज जिस तरीके से मैं महोबे में रहता था उसी तरीके से रिजगिर में रहूंगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। जिस तरीके से नौकरी राजा परवाल की करता था उसी तरह मित्र लाखन की करूंगा और उससे ज्यादा बढ़कर मित्र लाखा। चलो भैया, चलो चलो, आज रिजगिर अपना खाली करवाओ। मैं रिजगिर बसेरा कर फूले कौनो फूले कैसे चलेगा मुंशी, ये सब काम तुम्हारा है, ये कार्यभार मैंने सब तुम्हें दे दिया है, स्याही सफेदी के तुम्हें मालिक बना दिया है। ये तो समझते हैं मालिक, लेकिन जब तक ये आपका ग्राम चौरा मुझसे हक नहीं पाएगा तो कैसे चढ़ाई करेगा। ठीक है, तुम्हारा कथन बहुत सत्य है मुंशी। माहिल के जो माहिल इस दरबार में पक गए थे उसके विषय में कुछ तुमने विचार कर चुके हो या नहीं। हाँ मालिक। क्या विचार किया है बोलो। विचार तो ये क्या है, अब इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन लिया मुंशी, यही हम कहना चाहते थे वो तुम पहले ही कह दिया। अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि राजा परिमाल ने आला उदयराज को नगर महोबा से निकाल दिया, निकाल दिया है। इस समय नगर महोबा खाली है, जिस तरीके से हमारे दिल्ली के लोग वो बहन बेले का डोला क्यों नहीं उदयराज ने लिया था, उसी तरीके से नगर महोबा को
उसकी बहन चंद्रावल का डोला तुम्हें लेना है। डोला ला लिया तो मेरा नाम चौड़ा मुश्किल। नौकर सुनो मेरी बात। अरे डोला ले लो चंद्रावल। उसकी शादी करवा देंगे उसके संग। आज के साथ चंद्रावल के साथ में होगी। क्यों नहीं? ताबुदेराज बामलखान अलहाद चौड़ा के दुश्मनी को जरूर नमस्कार। ठीक है तो मेरी बात मुंशी सुनो ध्यान देकर बोलो। तो सुन ले अरे मुंशी मेरे जला हाली वाले। सुन ले का मुंशी मेरे सहरा जला नौकर हमारे मालिक का कहना है। हाँ हमारे मालिक का कहना है कि जितनी फौज शहर दिल्ली की है हाँ वो सब सदवा लो और नगर महोबा के लिए तैयार हो जाओ। नगर महोबा के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि हमें नगर महोबा लूटना है। सुने मेरी बात भैया। बोले अरे फौज तैयारी सहारा दिल्ली की अरे फौज तैयारी सहारा नगर महोबा के लिए तैयार हो जाओ। बहुत अच्छी बात है।
नगर महोबा को लूटना है, ये मेरा वादा है। चलो देर करने का टाइम नहीं है। तुम तो जानते हो चौड़ा मुंशी को, तुम तो जानते हो चौड़ा मुंशी को, हमारे शहर दिल्ली में आने वाले के इंसान बनते हैं, मेरे जाने वाले के इंसान हमारे भाषे शाबाश, हमारे भाषे से जंगल का रहना छोड़ दे, हमारे भाषे से जंगल का रहना छोड़ दे, छोड़ दे पक्षी अपना घोंसला, हमारा नाम सुनते ही, हमारा नाम सुनते ही जमीन सब कांप जाती है, हवा का रुख बदलता है और दरिया सूख जाती है। जब तक है जिंदगी जीऊंगा सांस से, अरे जब तक है जिंदगी जीऊंगा सांस से, बीच में रोड़ा ब्लॉक मार दूंगा। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं, जो हमसे टकराए उस वाले को बर्बाद कर। ठीक है नौकर, मालिक तैयार हो जाओ, मैं तो हर वक्त तैयार रहता हूँ। चलो चलो पढ़ाई देकर सुनो। बोलो मालिक। महोबा तो हम बात के लूटेंगे, तो सर्वप्रथम पहले उस मलखान का काम तमाम कर दो। सिरसा घेर वालों चारों तरफ से, और महोबे के लिए पत्र भिजवा दो मलना के पास। चलो धूरे के ऊपर तंबू लगाते हैं। ठीक है मालिक, आज की जैसी आज्ञा हम मानते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारे दिल में कांटा बनकर खड़क रहा है, मलखान जो सिरसा का है। अरे मालिक तुम्हें ये नहीं मालूम है, अरे मालिक ये तुम्हें नहीं मालूम है कि मैं जात का ब्राह्मण। क्यों नहीं, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ी बुद्धि। तुम जानते हो कि मैं सिरसा नगर घेरवा करके मलखान को मार दूंगा,
लेकिन मलखान तो वैसे ही मर जाएगा। कैसे? बुद्धि से काम लेना चाहिए। महोबा नगर घिरवाओगे इस समय उठाओ दे महोबे में नहीं है। नहीं क्यों नहीं? रानी मल्लन के पास चिट्ठी जाएगी। क्यों नहीं? तो किसको बुलवाएगी? मलखान को। मलखान को क्योंकि महोबा खाली है एकदम। महोबा एकदम खाली है। मलखान को बुलवाएगी। मलखान आएगा हमसे तुमसे शमशीर करेगा। उसी जगह मैदान जंग में ये आपको चौड़ा मुंशी मलखान को मार देगा। बहुत अच्छी बात। फिर शौक से सिरसा वाह महोबे की लूट हमें तुम्हें आसान हो जाएगी। क्यों नहीं महाराज? चलो चलो नौकर सामने देखते हो साइन बोर्ड कहाँ का लगा है रे? साइन बोर्ड कहाँ का? भैया हो क्या बात है? वो साइन बोर्ड हमका दिखा रहा हूँ महोबे क्या? ये साइन बोर्ड महोबे का है। वो सर पक्का पाम राज होना सरे जो दावा है। पक्का मकान है वे? तुम सारे काटो चूना से चलाए। हाँ मेरी समझ में आ गया। तो पक्का प्राण बना है चूना जुदावा है। हट हट हट। ये चूना से पुताया है रे। अच्छा हाँ भाई हो जाओ जल्दी दिखा दे। हो जाओ हाँ। यही नगर मोहल्ले का धुरा है। यहाँ घूरा है उल्लू के पट्टे। ये समझ लेना हमसे मादर चोट कोई आदमी नहीं हो। ना भैया को हम गलत कह दो बताओ। तुम हमारे महाराज के नौकर तो जरूर हो लेकिन ये समझ लेना अगर हमसे मादर चौधरी करोगे तो हमसे बुरा कोई आदमी नहीं होगा। यार भैया तुम तो उन्होंने कहा तुम तो उन्होंने कहे थे ये नगर मोहबे का धूरा है। धूरा है धूरा है। इसी जगह अपनी फौज रोक दो। इसी जगह अपनी फौज रोक दो और हमारे महाराज चिट्ठी लिखेंगे। वो रानी मल्ला के पास जाएगी। ठीक हमारे मालिक से बात करो। महाराज आपकी जैसी क्या होगी मुझे पालन करना मंजूर है। हाँ मुंशी तुम्हारी क्या मर्जी है? देखो मालिक हमारी यह मर्जी है। यही नगर महोबे का धूरा है। यही नगर महोबे का धूरा है। इसी जगह फौज रोक दो। एक पथ रानी मल्हा के लिए भेज दो। ठीक है नगर महोबा की लूट वाह चंद्रावल का डोला। बहुत अच्छी बात। ठीक है।